हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्मिला, आपका स्वागत है मेरी चैनल किचन कार्निवल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी। सर्दियों के मौसम में बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी बहुत ही हेल्दी होती है, इससे हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है। तो हो सके तो विंटर्स में, सर्दी के मौसम में आप इसे रोज़ बनाकर खाइए। ये बहुत ही हेल्दी है और आपको बहुत ही एनर्जी देगी। जो आज हम बनाएंगे चकले और बेलन से, इसमें बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। आपको अगर हाथ से नहीं आता है तो इससे भी आप आसानी से कैसे बना सकते हैं, चलिए सीखते हैं। बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमें ऐसे मिट्टी की तावड़ी चाहिए, ये बहुत ही सस्ती मिलती है, गुजराती में इसे तावड़ी कहते हैं। ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है। यह सबसे पहले हम गर्म करने के लिए रख देंगे। अब बाजरे का आटा गूंथ लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कप बाजरे का आटा लिया है। या बाजरे का एक रोटी का माप के लिए हमें एक कप आटा चाहिए। तो आपको जितनी भी बनानी है तो पहले ही एक साथ डिसाइड कर ले, और जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं वैसे ही बाजरे का आटा गूंथेंगे। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक ही रोटी का नाप दिखा रही हूँ, तो आपको जितना बनाना है उतना क्वांटिटी ले लें। अब ये मैंने नमक ले लिया है, यह मैं इसमें डायरेक्ट डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें एक गिलास पानी में नमक जितना स्वाद अनुसार लगे उतना घोल के भी वह पानी से आटा गूंथ सकते हैं। वह ट्रेडिशनल मेथड है, आज मैं कुछ अलग बताने जा रही हूँ। तो इसमें हम नमक डायरेक्टली यूज़ करेंगे और नमक और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब धीरे धीरे करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका थोड़ा मीडियम सख्त आटा लगा लेंगे, ज़्यादा नरम भी नहीं ज़्यादा सख्त भी नहीं, ऐसा आटा हम लगा लेंगे। और हथेली की मदद से ऐसे उसे मसलना है। ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है तो भी मसलना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो रोटी में, बाजरे की रोटी में एक सॉफ्टनेस जो आती है वो नहीं आएगी, और मसलने से टेस्ट भी बहुत मीठा लगता है। तो ऐसे हमें थोड़ी टाइम के लिए ऐसे ही मसलना है इसको। जब आटा एकदम सॉफ्ट हो जाए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अभी आटा सॉफ्ट हो गया है, फिर इसकी लोई बना के हम रोटी जैसा बेल लेंगे। अब मैंने एक लोई ले ली है, उसके ऊपर थोड़ा सा बाजरे का सूखा आटा डाल देंगे। और हर बाजू से कोट कर लेंगे और हल्के हाथों से बेलना है, थोड़ा भी प्रेशर नहीं देना है। देखिए साइड्स भी इसकी बहुत अच्छी बन रही हैं और थिकनेस भी इतनी ही चाहिए हमें। अब एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे हम, और बाजरे की रोटी बेल के तैयार हो गई है। और एक और हमारी जो पैन है वह भी गर्म हो गई है, तो ये ऊपर का साइड जो है वह हमें पैन में नीचे की ओर डालना है और नीचे का पार्ट है वह ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ऐसे फ्लिप करके डालना है। अब इसे एक और थोड़ा पकने देंगे। ये देखिए एक बाजू चेक कर लेते हैं कितना पक चुका है। ये हल्के स्पॉट्स आ जाए तभी तक हमें एक बाजू पकाना है। अब दूसरी बाजू पकने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि रोटी की थिकनेस भी ज़्यादा होती है तो उसे पकाने के लिए भी अच्छा टाइम लगेगा। अब दूसरी ओर चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम अच्छी क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसे रोटी के जैसे ही फुलाएंगे, बहुत ही अच्छी फूलने वाली है हमारी बाजरे की रोटी। ये देखिए फूल के एकदम राउंड हो गई है, पफी हो गई है। इसे निकाल लेंगे साइड में और इसमें ऐसे खड्डे जैसा बना लेंगे चम्मच से, ताकि घी जो है वह पूरा अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। अब एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे और चम्मच से दबाते हुए इसको और सब जगह इसे फैला देंगे, तो यह इक्वली घी स्प्रेड हो जाएगा और हमारी रोटी एकदम घी से लथपथ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बाजरे की रोटी। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।